हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल ममता सिंह ब्लॉग में। और ये दोपहर का समय है तो मैं एक ब्लाउज़ कटिंग करने जा रही थी, तो उसका नाप वाप मैं ले रही थी। तो इसका डिज़ाइन मेरे मोबाइल पे था और जब मैंने मोबाइल ऑन किया तो वो डिज़ाइन नहीं था, मतलब डिलीट विलीट हो गया होगा शायद, इसलिए मैंने नहीं बनाया, वो ब्लाउज़ का कटिंग नहीं किया, फिर कभी करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, हस्बैंड जी भी सोए हैं और रेस्ट कर रहे हैं और ये आकांक्षा खेल रही है ईशान के साथ, मैं भी बैठी हूँ, हम लोग एक मूवी देख रहे थे। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, जो मैंने घोल रेडी करके रखा था उसी को बनाने। और ये देखिए, कटोरा जो है थोड़ा सा हैवी है, जो हैवी मीन्स ये कासा का है तो हैवी होगा, तो ये तेल में डाल के मैं बनाऊँगी सेल रोटी। तो इससे ये मतलब हल्की होने से तो वो ऊपर आ जाती तेल के ऊपर, पर ये हैवी है तो थोड़ा चिपका हुआ है कढ़ाई के साथ। और यहाँ पर मैं घोल रेडी करके रखी थी तो थोड़ा सा कड़ा लग रहा था मुझे, तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया, अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये देखिए रेडी है, एकदम घुल के सॉफ्ट हो गया है, चावल का आटा सूजी सारा सॉफ्ट हो गया है। तो ये मैंने एक स्प्राइट का बोतल ले लिया था, उसे कट कर दिया था और इसी में डाल के मैं बनाऊँगी, क्योंकि इस तरह से डालने से आराम होता है। ये भी माया दीदी बताई थी इस तरह से बनाना सेल रोटी तो अच्छा से होता है। तो ये देखिए, ये जो फर्स्ट वाला मैं डाल रही हूँ तो इसमें क्या हुआ, कढ़ाई के हैंडल से मेरे हाथों में लग गया तो एक साइड ज़्यादा ही गिर गया। ये देखिए, फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ बनाओ तो थोड़ा सा बिगड़ती है तो ये एक साइड ज़्यादा गिर गया और चारों साइड पतला पतला गिरा हुआ है। तो इसको अच्छे से ये पक जाए, एक साइड सिक जाए तो इसे उल्टा कर देना है। और ये जो तार जैसा है ये भी माया दीदी से ही लेकर आई हूँ, क्योंकि हम लोग तो बनाते नहीं हैं, कभी कभी मन किया तो खाने का मन किया तो बना लेते हैं, तो इसलिए ये सब सामान हम लोग नहीं रखे हैं, तो ये सारा मैं माया दीदी से मांग कर लाई हूँ। तो इसे मैंने उल्टा कर दिया है, सुलटा कर दिया है, ये देखिए ठीक से सेक लिया है और निकाल दिया। ये फिर दूसरा वाला डाल रही हूँ, तो ये थोड़ा सा अच्छा डाला अजीब ही लग रहा है, वो से देख सकते हैं, हंसी भी आ रही है देख के देखिए बनते बनते खा भी लिया हम लोग, कुछ ईशान खाया, आकांक्षा खाई, मैं खाई, क्योंकि इतना टेस्टी ही लग रहा था। कोई भी चीज़ अगर बहुत दिन बाद बनाओ तो सच में बहुत टेस्टी लगती है और खाने का मन करता है, बनते बनते ही लूट लेते हैं सब लोग। देखिए ईशान रुका हुआ है कि कब मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज शाम के नाश्ते में बना है सेल रोटी, ये नेपाली का ट्रेडिशनल डिश है जो मैं बना रही हूँ और खा रहे हैं ये दोनों ये तो ज़्यादा ही खा रहा है, देखो मुँह अभी भी चल रहा है इसको कुछ भी नया चीज़ खाने के लिए देने से बहुत ही पसंद करता है, बस नया नया आइटम होगा ना ईशान। यस बोलो, यच। और ये मेरा लिप ग्लॉस लगा के, ये देखिए इसका चेहरा। तो फ्रेंड्स, अब सारे अच्छे अच्छे बनने लगे, ये देखिए। और खाने के लिए खाते समय भी इतना सॉफ्ट था, थोड़ा सा ये हार्ड नहीं था और तानना खींचना नहीं पड़ता था बहुत ही अच्छा, सच में टेस्टी बना था। और क्योंकि इसमें घी था तो सॉफ्ट था ही, और थोड़ा बनाओ तो वो हमेशा ही टेस्टी होती है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो थोड़ा सा उसमें मटेरियल कम हो जाती है, जिसकी वजह से उतना टेस्ट नहीं होता है। पेट पचक गया हमारा। तो ये देखिए अब बन गया है, हस्बैंड जी बोले चाय बनाओ, तो हस्बैंड जी को देने जा रही हूँ चाय और दो सेल रोटी। तो हस्बैंड जी भी बोले हाँ टेस्ट हुआ है, चाय लीजिए चाय लीजिए। तो हिसाब किताब अपना कर रहे हैं और आकांक्षा को भी दे दिया है चाय, सोनी तो अभी सो रही है, उठेगी तो फिर खाएगी। और ये वीडियो ईशान शूट कर रहा है, देख सकते हैं पापा के एकदम मोबाइल ही घुसा रहा है, तो यहाँ से जाएगा वो मेरे पास तो मैं ले लूँगी मोबाइल इससे। ये देखिए जा रहा है वीडियो, ये भी करने सीख ही जाएगा बिहारी के साउथ इंडियन के मराठी के बिहारी के नेपाली के मना क्या होते अच्छा बटाटा वाला चीज है, ये चीज तो ऐसे खाई होंगी चीज
हाँ। चाय के साथ हम लोगों ने खा लिया है, दो दो इतना बचा है, सोनी उठेगी तो खाएगी। फ्रेंड्स अभी रात का समय हो रहा है, 9:30 हो रहा है, तो अभी मैंने खाना वाना बना दिया है, बस रोटी बनाना है। तभी मैं सोचे एक ब्लाउज कटिंग करूँ, उसका ब्लाउज कटिंग करके फिर सीने के लिए रख दूँगी, कल से आऊँगी, क्योंकि आप तो टाइम है नहीं, बस इसका कटिंग करके रख दूँगी। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, आसपास सिलने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिल रहा है, और बहुत लेट हो जाता है, किसी का भी कपड़ा आता है तो सीने में। तो पहले ये कटिंग कर लो, और ईशान यहाँ पे अभी इसे पढ़ा के उठी, एक घंटा इसे पढ़ाने में लगा, क्योंकि इसका भी होमवर्क वमक मिल रहा है तो वो भी कराना पड़ता है, तो वही करा रही थी। तो इसे अब सोची कि अब कटिंग करके फिर रोटी बनाऊँगी, फिर 10 बजे ले हम लोग खाएँगे, तो फटाफट से ये कर लेते हैं मेरे से। तो अभी रात का 9:30 हो रहा है। तो फ्रेंड्स अभी बना रही हूँ रोटी, ये देखिए 10 बजने वाला है, और यहाँ पर है मटन जो पक चुकी है, पर थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा है तो इसे कम कर रही हूँ। ये देखिए फुली फुली रोटी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बस यहीं तक, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।